सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो मेरा वीडियो है, जैसे कि मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, जब मैंने आपसे शिवन्या की फोनिक्स की वर्कशीट्स को शेयर किया था, कि मैं बहुत जल्द वॉवल्स पे बेस्ड वर्कशीट्स लाने वाली हूँ। लेकिन वॉवल्स की वर्कशीट लाने से पहले मुझे लगा कि मैं आप लोगों से वॉवल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत की जाए और वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स में डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स में क्या डिफरेंस होता है? इन इंग्लिश देयर आर 5 वॉवल्स, ए E I O U. Each of the vowels have a short sound and a long sound. जिसे हम short vowels बोलते हैं, जिसमें short sound होता है, और long vowels हम उसे बोलते हैं जिसमें long sound होता है. If there is one vowel in a word, it usually make its short sound. मतलब कि अगर किसी वर्ड में एक ही वॉवल है, इन पांचों में से कोई एक ही अल्फाबेट उस वर्ड में है, तो हम उस समय उसको शॉर्ट वॉवल्स के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। सो नाउ लेट्स लर्न ईच ऑफ दीज शॉर्ट वॉवल साउंड फर्स्ट। सो दिस इज द लेटर ए, दिस इज द लेटर ए, एंड व्हाट इज द वॉवल साउंड ऑफ दिस लेटर? Apple, ant. So the vowel sound of A is apple, apple. This is the second letter E. Now, what is the vowel sound of E? Eh, eh, eh. For elephant, eh, for elephant. Now, the sound of I. So, there is difference between this and this. Here, this is the letter E, but the phonics and the vowel sound of this letter is E. E. This is the letter I, but the phonics and vowel sound of this letter is E. E for ink. E for igloo. This is the letter O. The phonic sound of this letter is O. O. O for orange. This is the letter U. The phonics and the vowel sound of U is A. A. Umbrella. इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे इन पांचों को लिख दिया है, इन पांचों अल्फाबेट्स को लिख दिया है, उनके सामने उनका हिंदी के स्वर में उसको किस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है वो भी लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए को आप ए ए बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, आई मतलब जो ई को हम ई बोलते हैं, ओ को हम ओ बोलते हैं, यू को हम अ बोलते हैं। तो अगर उस चीज को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो कि प्रोनंसिएशन, क्योंकि सारे जो ये पांचों वॉवल्स हैं ये कहीं ना कहीं अ ए आ ऐसे ही साउंड करते हैं, तो समटाइम्स वी टेंड टू डू मिस्टेक्स। सो इट इज बेटर कि आप अगर इसका हिंदी स्वर जानते हैं तो आपको मालूम है कि ए मतलब ए, ई मतलब ए, आई मतलब ई, ओ मतलब ओ, यू मतलब अ। तो ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप भी अपने बच्चे को बहुत आसानी से इनके शॉर्ट वॉवल साउंड्स को बता सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न लॉन्ग वॉवल साउंड। अभी हमने शॉर्ट वॉवल साउंड पढ़ा, ये जितने भी मैंने आपको इसका उच्चारण बताया ये शॉर्ट वॉवल साउंड है। लॉन्ग वॉवल साउंड इससे डिफरेंट होता है। इन्हीं अल्फाबेट्स को, इन्हीं पांच वॉवल्स को लॉन्ग वॉवल साउंड में हम डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम लॉन्ग वॉवल साउंड में इन वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हैं।
A long vowel sound is actually the same as the name of the letter in English alphabet. यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि जो long vowel sound होता है वहाँ इन vowels का वही sound होता है जो इनका letter sound होता है. Like जब हम long vowels में कोई चीज लिख रहे होते हैं तो उस समय हम A का उच्चारण A ही करते हैं, E का उच्चारण E ही करते हैं, I का उच्चारण I ही करते हैं, O का O और U का U ही करते हैं. उस समय हम इसे A, A, E, O, A ये नहीं पढ़ते हैं. ये आपका मेन डिफरेंस है लॉन्ग वोवल्स और शॉर्ट वोवल्स में. लॉन्ग वोवल्स में अल्फाबेट का लेटर साउंड ही हमें कहना होता है. To make a long sound, there are usually two vowels in a word. The first vowel says its name and the second vowel is silence. Let's understand with the example. For example, made. हमने इसे made कहा. क्यों हमने इसे made कहा? क्योंकि इस definition के accordingly, जब एक word में, जब ये made अपने आप में एक word है, जब made जैसे word या an angel जैसे word, fake जैसे word, इनमें जब दो vowels एक साथ आते हैं, तो हम पहले vowel को बोलते हैं, दूसरा vowel जो है हमारा silent रहता है, और पहले vowel का भी हम letter sound बोलते हैं. जैसे अगर हम इसके phonics साउंड और शॉर्ट वॉवल साउंड के हिसाब से जाएंगे तो ये आपका होगा म ए ड मैड ए मैडे. ये रॉन्ग है. हमने इसे क्या बोला? मेड. क्यों? क्योंकि जो थ्योरी है लॉन्ग वॉवल की वो ये है कि जब एक शब्द के अंदर दो वॉवल्स आते हैं, मैंने यहां पे ये टिक इसलिए किया है ताकि आप समझ पाए कि इस वर्ड में ये दो वॉवल्स हैं, ये दो वॉवल्स आए हैं, तो जिस भी वर्ड में दो वॉवल आएंगे उस वर्ड में पहला वाला जो वॉवल है हमें वही बोलना है. दूसरे वाले वॉवल को लिखना जरूर है लेकिन उसे बोलना नहीं है. और पहले लेटर, पहले वॉवल जिसको आप बोल रहे हैं उसका आपको फोनिक साउंड नहीं, शॉर्ट वॉवल साउंड नहीं, उसको आपका, आपको उसका लेटर साउंड ही बोलना है. जैसे हमने इसको मेड ही बोला, ए ही बोला, तो म ए मे ड मेड, और ई लिखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं. नाउ सीवीसी वर्ड प्लस ई. सीवीसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट प्लस ई. कॉन्सोनेंट मतलब कि ए ई आई ओ यू. इन पांच लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से ये है कि कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई. जब इस तरीके के फोर लेटर वर्ड्स होते हैं, जब इस तरीके के वर्ड्स होते हैं तब हम आगे वाले वॉवल्स को बोलते हैं, जो पहला वाला वॉवल है उसको बोलते हैं, दूसरे वाले वॉवल को नहीं बोलते हैं. स्पेशली जो दूसरा वॉवल होता है वो ई के फॉर्म में अगर है तो आप उसको स्पेशली कभी भी नहीं बोलते हैं. आप खुद भी, मैंने तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप अनुमन रीडिंग करके देखिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसमें लास्ट में ई है और आगे कहीं कोई एक वॉवल वर्ड दिया है तो आप देखेंगे कि उस वर्ड में ई का प्रोनंसिएशन नहीं किया जाता है. तो ये एक फॉर्मूला है कि कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट और ई, अगर इस तरीके का लेटर आता है, इस तरीके का वर्ड आता है तो जो मैंने आपको अभी पिछले उसमें समझाया शीट में कि जब दो वॉवल्स एक साथ आएंगे तो पहले वाले वॉवल को आप बोलेंगे, दूसरे वाले वॉवल को नहीं बोलेंगे, और पहले वाले लेटर जो पहला वाला वॉवल है उसको जो आप बोल रहे हैं उसका आप लेटर साउंड बोलेंगे, आप उसका वॉवल साउंड या फोनिक साउंड नहीं बोलेंगे. लाइक जो मैंने अभी आपसे सीवीसी वर्ड की बात की, आइए उसको थोड़ा कुछ और डिटेल में जान लेते हैं. लेट्स सी इन डिटेल. ए, ए जो हमने जो जो हमारा शॉर्ट वॉवल में ए था उसके बारे में जान लेते हैं कि वो लॉन्ग वॉवल्स में आके कैसे बदल जाता है. लाइक ए के लिए सी ए के ई
केक, केक। अब इसको हम जब हम बोलते हैं किसी शब्द को तो हम फोनिक्स के फॉर्म में बोलते हैं, तो ख ए, ख ए, खे क, केक। एप, इसमें भी आप देखिए दो वॉवल्स एक साथ आए हैं, तो आपने पहला वॉवल बोला है, दूसरे को नहीं बोला है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, ए। नाउ लेट्स लर्न लेटर वाई। वाई इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, वाई जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, बट समटाइम्स इट एक्ट्स लाइक वॉवल्स, बट कुछ कुछ वर्ड्स में ये वॉवल्स की तरह भी एक्ट करता है। जैसे when y act as a vowel it makes long e sound and long i sound and it's usually at the end of the word। मतलब कि जब y vowel की तरह sound करता है या vowel की तरह act करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि y जो है वो एक अकेला ऐसा letter है कि वो consonant की तरह भी act करता है और वो vowels की तरह भी act करता है, तो जब y vowels की तरह act करता है तो उसका sound कैसा आता है, उसका sound जो होता है वो कई बार आपको e की तरह लगेगा और कई बार जैसे ए की तरह लगेगा, कई बार आपको आई की तरह भी लगेगा। सिमिलरली व्हेन वाई एक्ट एज अ कॉन्सोनेंट इट मेक्स यह साउंड लाइक योगा, योगर्ट, राइट। इफ वाई इज द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड विथ टू और मोर साउंड्स देन इट सेज ई। यानी कि अगर y, if y is the last letter, अगर y एक last letter है किसी भी word का, with two or more sound, with two like b, a, b, इसमें दो और ज्यादा sound का letter हो, ठीक है sound, then it says e, तो ये आपका e की तरह हम इसको pronounce करते हैं। जैसे B A B, इसमें दो साउंड है, B भी है और A भी है, तो B A B Y, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे अनुमन पढ़ते हैं बे बी, बे बी। इफ Y इज द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड विथ वन साउंड देन साउंड ऑफ द लेटर Y इज I। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वाली शीट में भी बताया कि जब Y वॉवल की तरह एक्ट करता है तो कुछ वर्ड्स में वो लॉन्ग E का प्रोनाउंसिएशन ले आता है और कुछ लेटर्स में वो I का प्रोनाउंसिएशन लाता है। जैसे cry, वहां पे ये क्या था, बेबी, ठीक, कैंडी, यहाँ पे ये क्या है, क्राई, आई, स्काई। लेट्स लर्न द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स। अब हम देखते हैं कि एक वर्ड कैसे लॉन्ग वॉवल में अलग हो जाता है और शॉर्ट वॉवल में अलग दिखता है। जैसे शॉर्ट वॉवल में ए को हम कैसे पढ़ते हैं, म ए मैट, मैट, फ ए फैट, फैट, र ए रैट, रैट। तो ये ए जो साउंड है वो शॉर्ट वॉवल में ए का साउंड ए है। नाउ अब लॉन्ग वॉवल में ए का साउंड कैसे हो जाता है, तो लॉन्ग वॉवल में म ए मे ट, मेट, फ ए फे ट, फेट, र ए रे ट, रेट। अब अगर इसमें से ई को मैं छुपा दूं तो ये दोनों लेटर सेम है, मैट फैट रैट, मैट फैट रैट, लेकिन सिर्फ ई के लग जाने से ये पूरा मेट फेट रेट, ये पूरा का पूरा शब्द जो है बदल गया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वॉवल्स में जब दो वॉवल्स एक साथ आएंगे तो आप पहले वॉवल्स को बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलेंगे, और पहले वॉवल का भी लेटर साउंड बोलेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट वॉवल्स में और लॉन्ग वॉवल्स में प्रोनंसिएशन डिफरेंस क्या होता है। इसी तरीके से मैंने आपको ए का एग्जाम्पल दिया है, ये ई में भी इसी तरीके से हो जाता है चेंज। लाइक मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां लिखे हैं, जैसे लेट्स सी ऑल टुगेदर, लाइक ए को शॉर्ट वॉवल में और लॉन्ग वॉवल में कैसे बोलेंगे। सिमिलरली ई आई ओ यू को कैसे बोला जाएगा, लाइक ए का शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होगा, ह ए हैट,
ट हैट, बट वही ए लॉन्ग वोवल में जाकर के ह ए हे ट हेट, ए म ए मे ट मेट, और लॉन्ग वोवल में म ई मी ट मीट। यहां हमने ई क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों वोवल्स हैं, इन दोनों वोवल में से हम एक वोवल को बोलेंगे, दूसरे वोवल को नहीं बोलेंगे, और पहले वाले वोवल का लेटर साउंड बोलेंगे। तो ई का लेटर साउंड ई ही होता है, इसीलिए म ई मी ट मी। तो ये जो था, ये मेरा पूरा लॉन्ग वोवल्स और शॉर्ट वोवल के ऊपर पूरा वीडियो था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे यहाँ बताना चाहूंगी, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हिंदी ग्रामर में जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, बट इंग्लिश ग्रामर्स में ऐसा नहीं है। जो भी अभी तक मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो कई हद तक तो लागू होते हैं, बट इंग्लिश में ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन पे ये नियम लागू नहीं होते। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें न तो लॉन्ग वोवल्स और न ही शॉर्ट वोवल्स के रूल्स काम आते हैं, उन्हें इंग्लिश में ऐसे ही बनाया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि कुछ वर्ड्स आपको एज इट इज विदाउट लॉजिक समझकर उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।